स्वर्गीय शरद यादव विचार मंच द्वारा मनाया गया जन्म जयंती दिवस। जबलपुर से जनता प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर देश की राजनीति में लंबे समय तक देश की नीतियों पर आम जनमानस के जीवन को बेहतर बनाने लगातार संघर्ष और चिंतन करने वाले जनन नायक स्वर्गीय शरद यादव जी की जन्म जयंती पर हाईकोर्ट मध्य प्रदेश के पास ललित गार्डन में सोमवार दिनांक 1/7/2024 को समय दोपहर 3 बजे से आयोजित की गई देश के उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार से सम्मानित एनडीए के पूर्व संयोजक, भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, जनता दल यू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे शरद यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वृक्षारोपण किया गया। जबलपुर और महाकौशल को कई बड़ी जनहितैषी योजनाओं के लिए बड़े बड़े बजट दिलाने का काम किया। वहीं ट्रिपल आईटी जैसे संसाधन भी जबलपुर में स्थापित करने के साथ साथ छोटी रेलवे लाइन को बदलकर बड़ी लाइन करवाने में एवं जबलपुर को रेलवे जोन दिलाने और स्थापित कराने का काम शरद यादव के प्रयास से हुआ। स्वर्गीय शरद यादव को पुष्पांजलि अर्पित करने और कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष वैजनाथ कुशवाहा, महासचिव राम रतन यादव, घनश्याम यादव, सरमन रजक, किशोरी लाल भलावी, राधे श्याम अग्रवाल, वृंदावन वर्मा, नोखे लाल प्रज्ञा, सुधीर शर्मा, राम कुमार पटेल, अरविंद पेगवार, एड अनुराग सिंह, एड धीरज सिंह, रिजवान अंसारी, सीताराम पटेल, श्रीमती माया कुशवाहा, घनश्याम चक्रवर्ती, आरती ठाकुर, मनोज बागमारे, अविनाशी गांडवे, तंजीत सिंह टीटू एंड गया प्रसाद कुशवाहा एंड प्रशांत चौरसिया, नरेश चक्रवर्ती, नेम सिंह, परमानंद साहू, रमेश रजक, अजय झारिया, देवकरण पटेल, रमेश पोहित, भगवान दास पटेल इत्यादि का सहयोग रहा। जबलपुर ब्यूरो चीफ अनूप चतुर्वेदी। जन्म जयंती पर हम लोग जबलपुर में ललित गार्डन में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। उनके जबलपुर में विकास में जो उन्होंने योगदान दिया, ट्रिपल आईटी या रेलवे जोन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, उन सबको याद करते हुए आज उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं और नगर निगम प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं कि इस ललित गार्डन में शरद यादव जी की प्रतिमा स्थापित करने में सहयोग करें। नगर निगम अपने बजट से करे और अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग उसमें जन सहयोग करने के लिए तैयार हैं। राम रतन यादव, महासचिव, शरद यादव, विचार मंच जबलपुर।